नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो साथियों, जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शुरू करते हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपका सवाल नंबर एक है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कौन से वर्ष हुई। आपके ऑप्शन है ए 1942 से, बी 1961 से, सी 1930 से, डी 1955 से। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1961 से। आपका सवाल नंबर दो है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। आपके ऑप्शन है ए भारत में, बी जापान में, सी चीन में, डी रूस में। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी चीन में। आपका सवाल नंबर तीन है, प्रथम गणना यंत्र का क्या नाम है। आपके ऑप्शन है ए घड़ी, बी अबेकस, सी कैलकुलेटर, डी डिफरेंस। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अबेकस। आपका सवाल नंबर चार है, पैटमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। आपके ऑप्शन है ए खेल के लिए, बी बैंक के लिए, सी शेयर बाजार के लिए, डी पुस्तक प्रकाशन के लिए। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए खेल के लिए। साथियों, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आपका सवाल नंबर पाँच है, भारत के किन शहरों को जुड़वां शहर कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए कानपुर लखनऊ, बी आगरा मथुरा, सी मुंबई नागपुर, डी हैदराबाद सिकंदराबाद। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी हैदराबाद सिकंदराबाद। आपका सवाल नंबर छह है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 22 दिसंबर, बी 2 दिसंबर, सी 5 दिसंबर, डी 15 दिसंबर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 2 दिसंबर। आपका सवाल नंबर सात है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है। आपके ऑप्शन है ए गणना करने वाला, बी परिगणक, सी संगणक, डी हिसाब लगाने वाला। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी संगणक। आपका सवाल नंबर आठ है, WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है। आपके ऑप्शन है ए टिम बर्नर्स-ली, बी ली एन फियोम, सी बिल गेट्स, डी एन रसे। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली। आपका सवाल नंबर नौ है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है। आपके ऑप्शन है ए इंफोसिस, बी HCL टेक, सी TCS, डी विप्रो। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी TCS। आपका सवाल नंबर 10 है, इंसानों ने सबसे पहले किस फल को खाया था। आपके ऑप्शन है ए पपीता को, बी जामुन को, सी अंगूर को, डी खजूर को।
आपका सही जवाब है ऑप्शन डी खजूर को। आपका सवाल नंबर 11 है, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? आपके ऑप्शन है ए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, बी मुंशी प्रेमचंद्र, सी धर्मवीर भारती, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। आपका सवाल नंबर 12 है, हेलमेट को हिंदी में क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए शिरस्त्राण, बी शिश कवर, सी शिश मुकुट, डी शीश आवर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए शिरस्त्राण। आपका सवाल नंबर 13 है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी सूरत, डी चेन्नई। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मुंबई। आपका सवाल नंबर 14 है, जापान की राजधानी का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ए ओसाका, बी टोक्यो, सी नागोया, डी योकोहामा। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी टोक्यो। आपका सवाल नंबर 15 है, पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? आपके ऑप्शन है ए 179 देश, बी 195 देश, सी 210 देश, डी 230 देश। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 195 देश। आपका सवाल नंबर 16 है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? आपके ऑप्शन है ए मुंडकोपनिषद, बी कठोपनिषद, सी भारत भारती, डी आनंद मठ। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी आनंद मठ। आपका सवाल नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? आपके ऑप्शन है ए मोहम्मद जायसी ने, बी रसखान ने, सी अमीर खुसरो ने, डी अमीर हसन ने। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अमीर खुसरो ने। आपका सवाल नंबर 18 है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? आपके ऑप्शन है ए लुम्बिनी में, बी सारनाथ में, सी पतिलपुत्र में, डी वैशाली में। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सारनाथ में। आपका सवाल नंबर 19 है, मोदी जी की पत्नी का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ए हीरा बेन, बी जशोदा बेन, सी कृष्णा बेन, डी कुसुमा बेन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जशोदा बेन। आपका सवाल नंबर 20 है, संत कबीर दास जी का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी वाराणसी में, सी मथुरा, डी चित्रकूट में। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी वाराणसी में।